इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप वाजिपर की जो स्क्रिप्ट है उसको पूरे को जो है डबल ए पैनल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल ए पैनल को किस तरीके से हम उसमें जो है डालेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हमें किन चीज़ों की नीड होती है? सिर्फ दो डोमेन की नीड होती है, एक मेन डोमेन हो गया, एक सब डोमेन हो जाए। चाहे आप एपीआई लिख लो, चाहे सर्वर लिख लो, जो चाहो आप सब डोमेन रख सकते हो, इसकी नीड होती है। और सर्वर की हिसाब से हमें तीन चीज़ों की नीड होती है, एक आईपी एड्रेस, एक यूज़र नेम, ठीक है, ये तो रूट होता है बाय डिफॉल्ट, और एक पासवर्ड। ये दोनों चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन फर्स्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों डोमेन्स को जो है इस आईपी एड्रेस पर जो है डीएनएस के अंदर कनेक्ट कर देना है। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि जो है डीएनएस प्रॉपर कनेक्ट हुआ या नहीं। इसके लिए ये एक वेबसाइट आती है, dnschecker.org। हम इस डोमेन को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, तभी देखेंगे कि हमारा सेम आईपी एड्रेस आ रहा है जो कि यहाँ पर है। इट मीन्स हमारा जो है इसी डोमेन पर ये आईपी एड्रेस कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अभी सेकंड चीज हम देख लेते हैं, दूसरा वाला हमारा डोमेन चेक कर लेते हैं। ये भी सेम चीजों पर है, ठीक है, सेम आईपी एड्रेस पर है। अब हमें क्या करना है, हमें आना है पुट्टी डाउनलोड करके रख लेना है। पुट्टी अगर आपने पता नहीं हो तो आप यहाँ से जो है पुट्टी डाउनलोड कर सकते हैं। पुट्टी डाउनलोड अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, putty.org। यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो पुट्टी को, ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ पुट्टी, और मैंने ओपन कर लिया इसको, ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर मांग रहा है होस्ट नेम, तो मैं यहाँ पर होस्ट नेम डाल देता हूँ, पोर्ट हम 22 रखेंगे, बाय डिफॉल्ट 22 ही होता है। इसके बाद में हम ओपन कर लेंगे, फर्स्ट टाइम आपको जो है सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह दिखाएगा, तो हमने कर लेना है एक्सेप्ट। ये प्रोसेस जो होता है आपके सर्वर के हिसाब से होता है। हमारा सबसे पहले हमारा जो है यूजर नेम क्या है, रूट ROT, इंटर कर दिया। अब पूछ रहा है पासवर्ड क्या है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। टाइप करूंगा तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी टाइप कर लिया है, और ये हमारा जो है सर्वर का एक्सेस हो गया है, हमें मिल चुका है यहाँ पर उबंटू के अंदर। अभी हम जाएंगे, मेरे पास में जो फाइलें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला फाइल है, ये आपको मिल जाएगा। इसको आप जो है फर्स्ट वाले कोड को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, अभी डबल ए पेनकल को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट का नेम से भी आपको पता चल जाएगा, और आगे कोडिंग भी लिखा हुआ, sudo bash install.sh डबल ए पेनल। तो हम सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने वहां से कॉपी करके हम यहाँ पर जो है पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अब हम इंटर दबा देंगे, इंटर दबाया, यहाँ पर पूछ रहा है तो यस हम कर देंगे, वाई दबा के इंटर कर देंगे, ये हम नो कर देंगे क्योंकि हमें SSL पैनल हमारे पास में अभी है नहीं, SSL जो है हमने लगा नहीं रखा इसमें। अगर SSL लगाते तो हम यस कर देते। आपके सर्वर की स्पीड के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली जो है ऑटोमेटिकली जो है ये डाउनलोड कर लेगा डबल ए पैनल की फाइल को, और उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल वगैरह कर लेगा। पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद में आपको लास्ट में ये दिखेगा यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस इंस्टॉल सक्सेसफुली। इसके नीचे आ जाएगा ये सारे आपका जो है लिंक और यूजर पासवर्ड, ये आपने पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना है, पूरा सेलेक्ट करके Ctrl+C दबा के आप जो है कॉपी कर लेंगे। अब आपको इसको जो है इधर अपने पास में सेव कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो नीड होगी ये एक तो ये लिंक की नीड होगी,
और इसमें यूजर नेम और इस पासवर्ड की नीड होगी। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं जो है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी इसका काम कुछ भी नहीं है, यहां पर सिर्फ हमने जो है डबल ए पैनल को इंस्टॉल करना था पुट्टी के थ्रू। हमने पुट्टी के थ्रू हमने जो है डबल पैनल इंस्टॉल कर दिया, इसका कोई भी काम नहीं, तो हम इसको जो है क्लोज कर देते हैं। इसको हम जो है क्लोज कर दें। अब हम इसके फास्ट लिंक को जो है यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। और हम यहाँ पर ब्राउजर पे, अपने कोई भी एक ब्राउजर पे, ज्यादा बेस्ट है कि आप क्रोम ब्राउजर पे जो है इसको रन करो। ये इस तरीके से दिखेगा, कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करेंगे आप। अब आपको जो है ये डबल ए पैनल का जो है यहाँ पर अकाउंट और पासवर्ड मांगेगा। तो अकाउंट और पासवर्ड हमने पहले जो है यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो इनमें से ये तो है यूजर नेम हमने डालना है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे इसको यूजर नेम को। और हमारा जो पासवर्ड है ये वाला है, तो हम ये पासवर्ड हम जो है यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद में हम लॉग इन कर लेंगे। पूरा लॉग इन होने के बाद में आप देख रहे होंगे डबल ए पैनल आपको इस टाइप से दिखेगा। और फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो तो इसमें से दो चीजें रिकमेंड होती है, एक होता है LNMP, एक होता है LAMP, यानी कि एक एंजिनिक्स होता है, एक अपाचे होता है, नोड जेएस और अपाचे। तो हमें जो है ये वाला इंस्टॉल करना है जो रिकमेंडेड है, जो हमें रिकमेंडेड है वही को हम जो है इसको मेथड को फास्ट करके हम वन क्लिक में जो है ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको चेंजेस करना होगा, जैसे PHP 7.4 है तो हम इसको कर लेंगे 8, 8 वाला सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी और कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजें सेम ही रहने देना आपने। और अगर आप ये PHP 7.4 को अगर आपको 8 में नहीं किए हो, ऑलरेडी आपने 7.4 किया हुआ है, तो बाद में भी हम इसको इंस्टॉल या अपडेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम वन क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। वन क्लिक करने के बाद में आपको जो है इस तरीके से मैसेज बॉक्स दिखेगा और यहाँ पर जो है सारी लोडिंग दिखेगा। आप देखिए 1, 2, 3, 4 ही दिख रहा है, एक्चुअल में ये 5 है। मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करके फिर से यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखिए 5 जो है, 5 हमारे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इसमें आपका जो है सर्वर के अकॉर्डिंग आपको टाइम भी लग सकता है, कम ज्यादा लग सकता है आपको, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं आपको। जब आपके सारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप यहाँ पर देखेंगे मैसेज लिस्ट के अंदर सारे यहाँ पर जो भी है आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो है 8.0 हमने इंस्टॉल किया था, फिर मैंने जो है इसको अपडेट भी किया है, तो इस वजह से 2 एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो करंटली नो टास्क है। अब हमारा कोई भी टास्क यहाँ पर कंप्लीट करने का और भी है नहीं, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। और अभी हम सीधा यहाँ पर आ जाएंगे ऐप स्टोर के अंदर। ऐप स्टोर के अंदर आएंगे और हमें कुछ जो है एप्लीकेशन को इधर से उधर करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है होम पेज पे लाना पड़ेगा, ताकि हमें जो है अच्छे खासी तरीके से हम सारी सेटिंग्स को जो है बाहर के बाहर ही निपटा सके। ये सारे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही है, इनमें ना आने की वजह ना आना पड़े, इस वजह से हमें जो इसको होम पर लाना पड़ेगा, जैसे डेस्कटॉप पर लाते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स को उसी तरीके से। इंस्टॉल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको हम लाएंगे। तो हम यहाँ पर माई एसक्यूएल को और हमारा कौन कौन सा हमें बाहर लाना है, PHP एंजिनिक्स को हो गया, 8.1 को और जितने भी है सभी को हम जो है यहाँ पर बाहर लेकर आ जाएंगे। 8.0 इसकी हमें नीड नहीं है, हमें इसमें काम नहीं करना, हमें काम करना है 8.1 के अंदर, इस वजह से हम जो है 8.1 को डेस्कटॉप पे नहीं ला रहे हैं। बाकी चीजें अगर जिनको आप अपडेट करना चाहो कर सकते हो। हमने ये काम कर दिया यहाँ से कंप्लीट ऐप का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर होम के ऊपर फिर से। अब होम के अंदर हमारा जो भी काम रह रहा है वो हम काम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो है वो ये है कि हम PHP 8.1 के अंदर आएंगे और यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और कुछ एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करेंगे। पहला हम करेंगे फाइल इन्फो, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है आई मैप, इसको भी हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है एग्जिफ, इसके ऊपर भी हम जो है यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। ये तीन हो जाते हैं हमारे। ये तीनों इंस्टॉल्ड होने के बाद में हम डिसेबल फंक्शन पर क्लिक करेंगे।
और इसके बाद में यहाँ पर है एक PUTENV, इसको हम यहाँ पर डेल कर देंगे यानी डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, डिसेबल फंक्शन से हम इसको डिलीट करते हैं तो ये एक तरीके से इनेबल हो जाता है। हम इसको भी क्लोज कर देंगे, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमारा दूसरा काम जो रह रहा है बाकी का काम, टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे हम। टर्मिनल के अंदर आने के बाद में हमारा अब काम है एक तो क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करना, और जो PM2 जो है वो हमें इसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड मांगेगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अपने उसी में से जो हमारा जो पासवर्ड था, हमारा ये सर्वर पासवर्ड अलग है और AA पैनल का पासवर्ड अलग है। तो हम जो है ये सर्वर का जो पासवर्ड है वो देंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और हम यहाँ पर जो है सर्वर पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं फिर से हमारी जो डॉक्स फाइल के अंदर, यहाँ पर देखेंगे हम सूडो वाला ये फाइल रन कराएंगे पहले, पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट हम क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, यस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। एक एक करके इन सारी कमांड को हम रन करेंगे, सिर्फ ये डू नॉट रन दिस जो है इसको हमें नहीं रन करना है। अगर हम इसको रन कर दे तो इस कंडीशन में आपका जो है AA पैनल जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने पहली जो है वो तो हमने रन कर ही दी, अब हम आ जाते हैं सेकंड पर, यहां से यहां तक कॉपी करेंगे और इसको भी हम पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट एंड इंटर कर देंगे। इसको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। ये हमारा क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करने का कमांड है, इसको भी हम कॉपी करेंगे और अब हम अपना क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर देंगे इसमें। ये डाउनलोड हो रहा है अभी, इसके बाद में हम ये इंस्टॉल कर देंगे। और यस पे हम क्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर स्क्रिप्ट हमने जो है अपना NPM जो है वो भी इंस्टॉल कर दिया है और क्रोम ब्राउजर दोनों इंस्टॉल कर दिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर और हमें अपना जो है डोमेन जो है वो कनेक्ट करना है। डोमेन हमारा क्या था, पहले हम जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से मेन डोमेन को और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। लास्ट वाले को हम ऐसे करके वापस से डिलीट करके फिर से एम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट पाथ ले लेगा। अप्लाई फॉर SSL HTTP रिडायरेक्ट दोनों को टिक करके हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो रनिंग हो चुका है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट SSL का 89 days है, ये फ्री है बिल्कुल। सेकेंड वाले भी हम जो है सेकेंड वाले सब डोमेन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो API वाला जो डोमेन है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। लास्ट में वापस डिलीट करके डायल करेंगे तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अप्लाई एंड HTTPS रिडायरेक्ट दोनों को टिक करके हम सबमिट कर देंगे। अब ये हमारा पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या करना, अपना मेन डोमेन के अंदर हमें एक इंस्टॉल फाइल डालनी है। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूं और ये जो मेन जो हमारी डोमेन है उसका जो फोल्डर है
उसके अंदर जितनी भी फाइल है उन सभी को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। और अब यहाँ पर हम अपलोड करेंगे हमारी इंस्टॉल फाइल। तो हमारी जो इंस्टॉल फाइल है वो ये है, मैं इसको जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी ये यहाँ पर अपलोडिंग हो रही है, तब तक हम क्या करते हैं इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे राइट क्लिक करके, क्योंकि हमें दो फाइलें एक साथ में इंस्टॉल करनी है। अब हम रूट डायरेक्टरी में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे रूट के अंदर जा करके। यहाँ पर रूट और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे न्यू फोल्डर। हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको डब्ल्यू ए सर्वर नाम दे देता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फोल्डर हमारा बन चुका है सक्सेसफुल। फोल्डर के अंदर जाएंगे और हमें यहाँ पर एक और फाइल अपलोड करनी है जो कि यहाँ पर सर्वर नाम से जो फाइल है वो। यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट, इधर हमारा जो है अपलोडिंग इतना हुआ है और इधर अपलोडिंग अभी स्टार्ट हुआ है। इसको हम फिर से यहां से डुप्लीकेट कर लेंगे। जब तक वो अपलोड हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, हम अपना डेटाबेस भी बना लेते हैं। डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे यहां पर, और यहां पर ऐड डेटाबेस कर लेंगे यहां पर, और यहां पर हम अपना डेटाबेस का नाम डाल देंगे, यहां पर यूजर नेम और यहां पर पासवर्ड डाल देंगे। अभी के लिए मैं अपना हिसाब से यहाँ पर डेटाबेस नाम दे देता हूँ डब्ल्यू ए सर्वर, जो कि मैंने वहां से कॉपी किया है, और यहाँ पर पासवर्ड भी यही सेम दे देता हूँ और लास्ट में एस लगा देता हूँ। डीबी नेम हो गया डब्ल्यू ए सर्वर, यूजर नेम डब्ल्यू ए सर्वर, पासवर्ड भी मैंने सेम डाल दिया। ठीक है, अब जो है मैं इसको सबमिट या फिर मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। इन तीनों चीजों को हम जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी हम इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं फाइल के अंदर, ये सिर्फ हमें याद रखना है यूजर नेम हमारा कौन सा है, नेम कौन सा, पासवर्ड कौन सा है, और अब हम इसको सबमिट कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा डेटाबेस हमारा बन चुका है, इधर हमारा जो है सर्वर फाइल अपलोड हो चुका है, और इधर हमारा जो है इंस्टॉल फाइल जो है वो अभी तक, जो मेन फाइल है वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर रूट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमारा जो रूट पासवर्ड है ये अलग होता है, सर्वर पासवर्ड और डेटाबेस पासवर्ड और डबल ए पैनल पासवर्ड ये सारे अलग अलग होते हैं। रूट पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्लोज करेंगे, पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा पीएचपी माई एडमिन। यूजर नेम जो है इसका रहेगा रूट, और यहाँ पर पासवर्ड जो है अभी अभी हमने जो जस्ट जो कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करके गो पे क्लिक कर देंगे। जितने भी एरर्स आ रहे हैं उसको इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देंगे, और हमने जो सर्वर बनाया था, सॉरी डेटाबेस बनाया था डब्ल्यू सर्वर नाम से, यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको आई थिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर से इग्नोर, और इसके बाद में हम इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट हमें कौन सा फाइल करना है, डेटाबेस फाइल चूज, एंड यहाँ पर जो डेटाबेस फाइल है उसको हम जो है क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद में हम यहां पर नीचे आएंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। आपको यहां पर ये एरर देखना, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुल फिनिश्ड, अगर ये आ रहा है इट मीन्स आपका डेटाबेस अपलोड हो चुका है। और इस टाइप से अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो ये एरर दूसरा है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। और दूसरी चीज है कि इसके अंदर अगर एक और तरीके से अगर एरर आता है इट मीन्स डेटाबेस क्रैश्ड है, इग्नोर कर देते हैं इसको, इस टाइप से भी आपको डायरेक्टली शो हो सकता है लास्ट में। ठीक है,
अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, वापस से हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं पीएचपी माई एडमिन को। यहाँ पर सर्वर है हमारा, सर्वर फाइल अपलोड हो चुका है और इंस्टॉल फाइल भी हमारा अपलोड हो चुका है। कैंसिल, और इसको भी कैंसिल कर ले। अब हमारा जो मेन डोमेन के अंदर जो इंस्टॉल फाइल हमने अपलोड किया है उसको हम यहाँ पर अनजिप कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर अनजिप किया उसी तरीके से हमने जो रूट के अंदर डब्ल्यू सर्वर बना के फोल्डर जो अपलोड किया है उसके अंदर जो सर्वर फाइल हमने अपलोड किया उसको भी हम अनजिप यहाँ पर कर देंगे। ये दोनों जगह पे हमारा जो है अनजिप हो चुका है। रूट डायरेक्टरी में जाएंगे हम, फिर से रूट में एक बार कंफर्म कर लेते हैं डब्ल्यू सर्वर, और यहाँ पर हमारा जो है ठीक है हो चुका है। अब हमें कुछ चीजें और करनी है, उसके बाद में हमें जो है इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है वेबसाइट, अभी सिर्फ हमारी वेबसाइट अपलोड हुई है। तो हम सबसे पहले जो है वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर अपना मेन डोमेन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं कन्फिग के अंदर। कन्फिग में आ जाएंगे और 35 जो है इस नंबर पे आएंगे। यहाँ पर 35 नहीं तो एक दो नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, बस ये देख लेना आपने पीएचपी इन्फो एंड और रीराइट स्टार्ट यूआरएल, रीराइट रूल रेफरेंस, इसके ऊपर और दोनों के बीच में जो खाली जगह है एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। 36 भी होता है, 35 के आसपास होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो है हम एक स्क्रिप्ट डालेंगे दूसरे फोल्डर से, ये डालेंगे लोकेशन वाली, ये यहाँ से हम कॉपी करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट, इसके बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर आते हैं इधर एपीआई के अंदर, एपीआई वाले सब डोमेन में, यहाँ पर भी हम कन्फिग के अंदर आएंगे और यहाँ पर भी 35 या 36 के अंदर यहाँ पर जो दिखेगा आपको यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसी फाइल में से सेम इसी तरीके से एक स्क्रिप्ट होगी। यहाँ पर आ जाएगा स्टेप टू एपीआई डोमेन कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर इसको आपने कॉपी करके यहाँ से और ये यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर लोकल होस्ट जो है यहाँ पर 8000 पोर्ट है, इसको आपने जो है 8002 भी कर लेना है, टू कर सकते हैं आप। अगर आप 8000 रखते हो तो आपका क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, पोर्ट आपका सेम होना चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पर मैं 8002 मैंने क्यों किया है। अगर आप यहाँ पर फोल्डर के अंदर आएंगे और ऐप के अंदर आएंगे यानी कि डब्ल्यू सर्वर के अंदर ऐप के अंदर आएंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट में आएंगे, यहाँ पर तो 8002 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो सर्वर है सॉरी पोर्ट जो है 8002 जो है ये वाला पोर्ट इनेबल करना है हमें, अभी इनेबल भी किया नहीं, अभी करना है। जो यहाँ पर रहेगा वही सेम आपने यहाँ पर डालना है, इसको आपने सेव कर लेना। डन, हमने दोनों चीजें कर ली है। अब हम करेंगे पोर्ट को इनेबल, तो इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 8000 वाला है नहीं यहाँ पर पोर्ट, तो हम ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, टीसीपी एंड यूडीपी दोनों पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर और पोर्ट नेम दे देंगे 8002। ठीक है, और हम यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क ये लगा देता हूँ डब्ल्यू ए सर्वर, कन्फिगर कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये मार्क लगा दिया याद रखने के लिए, जैसे ये एचटीटीपी का ये है,
वेबसाइट डिफॉल्ट पोर्ट ये है, पैनल पोर्ट ये है, एफटीपी पोर्ट, तो इसी टाइप से मैंने जो है सिर्फ ये लगा दिया। अभी नॉट लिसन आ रहा है, लिसन नहीं हो रहा अभी इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉन में जाएंगे, यहाँ पर क्रॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक क्रॉन जॉब ऐड करेंगे। क्रॉन जॉब जो ऐड करना है हमें, यहाँ से हम जो है स्टेप 8 इंस्टॉल क्रॉन, इसके अंदर आपको जो है ये वाला पार्ट जो है ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट कंटेंट के अंदर ये पेस्ट कर लेना है। अब मैं ये जो है नाम ऑफ टास्क में कुछ भी रख सकता हूँ, बट मैंने ये नाम जो है डब्ल्यू सर्वर ही रख दिया है। और इसको आपने जो है एन मिनट पे क्लिक कर देना है, एन मिनट, एवरी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसा भी आप रखना चाहो रख सकते हो, ज़्यादा बेस्ट है 3 मिनट पे रखो या 1 मिनट पे रखो। अब यहाँ पर ये मैंने जो है इसके अंदर ये जो नेम है डब्ल्यू ए सर्वर, ये मैंने फोल्डर नेम दिया है, जो हमारा इसके अंदर रूट के अंदर डब्ल्यू ए सर्वर जो फोल्डर हमने बनाया है उसी फोल्डर का नेम हमने यहाँ पर दिया है। एड टास्क पे हम क्लिक कर देंगे अब इसका, तो ये डब्ल्यू ए सर्वर हो जाएगा यहाँ पर। और अब जो है हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे और लॉग के अंदर देखेंगे क्या बता रहा है यहाँ पर, वाजीपर इज लाइव, इसको एम्प्टी कर देते हैं, फिर से एक या दो बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर से लॉग पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये लिसन कर रहा है पोर्ट 8002 यहाँ पर, इसको फिर से हम एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, सिक्योरिटी में फिर से जाएंगे और अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए पहले नॉट लिसनिंग हो रहा था, अभी लिस्टिंग हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने फिर से वेबसाइट के अंदर और डेटाबेस को और वेबसाइट को हम कनेक्ट करेंगे। तो हमारा डेटाबेस का जो नेम है ये है डब्ल्यू ए सर्वर, यूज़र नेम भी सेम है डब्ल्यू ए सर्वर, और हमारा पासवर्ड जो है वो है ये वाला। तो हम इसको जो है डेटाबेस नेम और यूज़र नेम दोनों सेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड को भी हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। मैंने विंडोज प्लस वी दबाता हूँ तब मेरा क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है, तो ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ इसलिए मेरा क्लिपबोर्ड ऑन हो जाता है। अगर आपका नहीं होता है तो विंडोज प्लस वी करेंगे देन आपका फर्स्ट टाइम में ओपन मांगेगा, क्लिपबोर्ड ऑन कर लीजिए और फिर उसके बाद आपने दोनों को कॉपी कर लेना है, ये शॉर्टकट है। तो अब हम आ जाते हैं वेबसाइट्स के अंदर और मेन डोमेन के इसमें फाइल में आ जाएंगे, फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डॉट ई एन वी के अंदर, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा ये। और यहाँ पर अब हम कुछ सेटिंग करेंगे, यानी कि आपका जो डेटाबेस का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डालेंगे। सबसे पहले हमने देना है यहाँ पर डेटाबेस का नेम, ठीक है, तो वाजी पर नल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसको हम क्लिक करेंगे और डब्ल्यू ए सर्वर कर देंगे। यूज़र नेम अब यहाँ पर हम डालेंगे, तो हम इसको जो है ये यूज़र नेम डाल दिया हमने। पासवर्ड जो भी लिखा हुआ आ रहा है हम यहाँ पर पासवर्ड ये डाल देंगे, ठीक है। ये तीन तो चीज़ हो गई कंप्लीट, ये 40-45 के आसपास में आ जाएगा नंबर। अब इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओगे यहाँ पर 23 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एक वेबसाइट का नेम, ठीक है, वाबुज, तो हम अपनी वेबसाइट का नेम डालेंगे। हमने वेबसाइट का नाम क्या है, ग्लोबल ग्लोबल जियो डॉट कॉम, ठीक। तो हम यहाँ पर जो है ग्लोबल जियो डॉट कॉम का हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम जो है इतने को इस यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही करना है। अब आपने जो है यहाँ पर सेव कर देना, सेव कर लेंगे और अब आप अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पर रन करके चेक करेंगे आपकी वेबसाइट चालू हुई या नहीं, तो आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट जो है रन हो चुकी है। एक्सेप्ट ऑल कुकीज, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ, तो ये हमारी वेबसाइट चालू हो गई। बस लोगो लगाना बाकी है, यूजर नेम और कुछ चीजें जो है हमें सेट करनी बाकी है। अभी फिलहाल हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है एडमिन डालेंगे, SYS एडमिन, और हम जो है यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, रिमेम्बर मी पे क्लिक करके हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। सक्सेस हो गया, सक्सेस होते ही आपको जो है इस टाइप से ओपन हो जाएगी आपकी वेबसाइट।
ठीक है, अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे, इसके बाद में आपने जो है यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। सॉरी, पहले हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ें ऑन हो रही है या नहीं। बस हमारा जो है क्यूआर कोड जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये तो हमने सेव कर ही लिया था। वेबसाइट्स पे जाएंगे और हमारा जो डोमेन है एपीआई वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम इसको भी ओपन करके देख लेंगे यहाँ पर। तो ये बता रहा है स्टेटस सक्सेस मैसेज वेलकम टू वाजीपर। इस वाले लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और वापस से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारे वेबसाइट के अंदर सेटिंग्स भी क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम आएंगे सोशल नेटवर्क सेटिंग्स में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऑलरेडी डेमो के लिए लगा रखा है वहाँ, उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे और सेव कर देंगे। अब हम आ जाएंगे वापस से व्हाट्सएप पर और यहाँ पर ऐड अकाउंट पे क्लिक करके चेक करेंगे हमारा लोग, अभी भी हमारा जो है ये क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे स्लैश गेट, फिर स्लैश क्यूआर कोड। हम ये लिंक को हम क्लिक करके देखेंगे कि हमारा जो है पूरा सेम ये वाला एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्टेटस एरर मैसेज या इंस्टेंस वगैरह, ये सारा पूरा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो है ये तो वर्क कर रहा है, बट हमारा जो है यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट अभी भी नहीं हो रहा। तो अब इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी होगी। टर्मिनल के अंदर जाएंगे हम एक बार फिर से और यहाँ पर हमें जो है कुछ कमांड जो है यहाँ पर रन करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे DIR, इट मीन्स हमारा जो है रूट के अंदर जो हमने सर्वर मतलब बनाया था फोल्डर, वो कौन सा वाला है। तो हमारे यहाँ पर दिख रहा है WA सर्वर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CD WA सर्वर और हम इंटर कर देंगे। इसके बाद में हम आगे है फोल्डर के अंदर, अब यहाँ पर लिखेंगे PM2 kill स्पेस kill, ये हम इंटर कर देंगे तो हमारा ये PM2 स्टार्ट हो जाएगा, किल हो जाएगा। अब हम PM2 स्टार्ट app.js, हम ये कमांड डाइल यहाँ पर लिखेंगे और इंटर करेंगे, हमारे ये जो है ऑनलाइन हो जाएगा। PM2 सेव हम कर देंगे इसको, ठीक है। PM2 सेव हमने कर लिया। एक बार हम जो है PM2 री स्टार्ट कर लेंगे इसको, PM2 री स्टार्ट ए आल, ठीक है। PM2 स्पेस री स्टार्ट स्पेस आल और इंटर कर देंगे। हम इसको दो तीन बार भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बार और फिर से देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड जो है ये जनरेट हो चुका है। अब अगर ये क्यूआर कोड अगर जनरेट नहीं होता है ये सारी वीडियोस को फॉलो करने के बाद में भी, इट मीन्स आपकी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आप सही से नहीं कर रहे हो। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है तब तो आपको न्यू स्क्रिप्ट ले लेनी चाहिए, सही वाली स्क्रिप्ट ले लेनी चाहिए। और अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की तो आपका इस क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा, और अगर आपने फॉलो की है और फिर भी अगर आपका क्यूआर कोड जनरेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी स्क्रिप्ट में फॉल्ट है, आपको फिर दूसरी स्क्रिप्ट ले लेनी चाहिए, तो ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की वीडियो मैंने अभी इसमें बता दिया है। अगर कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।